92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम। कुछ पन्ने जिंदगी के जो बोलते हैं, वी हैव अ फ्यू रूल्स इन आवर मैरिज। मतलब वंस अ वीक we have to do a romantic dinner together, kahin bhi ho sakta hai, we are each other's best friends and maza aata hai together. I don't think itna maza kyun aa raha hai, bhang bhi mil jata hai wo trip mein. To thodi rules hai ki we have to take a vacation together. Chats mein aata hai ki ladkiyan idhar mil rahi hai udhar mil rahi hai, 10 ladkiyan 20 ladkiyan. Mujhe honestly inke bina socially I'm very dependent on pe also, mujhe maza nahi aata. If I don't see Shaan, मैं तेरे अगल बगल, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। I go, मगर I'll go to a select few. Most I avoid. Yeah, I know that too. Shaan की इतनी fan following है, और fan following में ज्यादातर लड़कियां होती है, तो ऐसे कोई किस्सा हुआ शान की, आप कभी किसी लड़की से बात कर रहे हो और आप misunderstood, राधिका ने आपके तरफ देखा और आपको लगा अब तो मैं फंस गया। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली जो क्रेजी फैन वाली चीज होती है ना, तो उससे मुझे, चाहे लड़की हो लड़का हो, मुझे बहुत इरिटेशन होता है। कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक की अपनी एक यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और आप अगर किसी के फैन हो तो उनके उस काम के लिए आप उनके फैन हो, सो यू अप्रिशिएट दैट, बट डोंट ऐसा होता है तो मुझे लगे बेचारे वैसे ही थोड़े से पागल है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। कभी कभार उस अवॉइड के चक्कर में या उनको समझाने के चक्कर में आई गेट अ लिटिल लाउड एंड स्ट्रिक्ट, और फिर से फोन आता है और फिर ये वो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि देन राधिका शर्मी दैट एक्चुअली यू नो व्हाट, उनके ये जिद है, एक बार ठीक से बात कर लो, प्यार से बात कर लो, एंड देन दे विल बी ऑलराइट। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि इधर चीज उल्टी होती है। हाँ, मैं शुरू में तो मैं सोचता था कि क्या मतलब उल्टी एडवाइस दे रही है, लेकिन अभी तो कुछ होने से पहले ही पूछ ही लेता हूँ कि क्या करना है। सो या अब तो मतलब ऐसी इमेज हो गई है मेरी कि बस वो राखी के दिन में ही ज्यादा फोन आते हैं, वरना अगर कोई मिले भी तो मैं थोड़ा सा फ्लर्टेशियस मूड में होके हे हाउ आर यू, और थोड़ा सा ऐसा स्माइल ज्यादा कर दूं, हाउ इज राधिका, नहीं शी इज फाइन, आई मीन उसे क्या होना है, ठीक ही है, तो हमेशा ऐसा ही होता है। सो दैट्स द फुल स्टॉप टू द स्टोरी, खत्म, फुल स्टॉप टू द स्टोरी। आप दोनों में जब झगड़ा होता है, सॉरी कौन पहले बोलता है? मैं बोलता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बोलती है कभी बोलती नहीं है। हां, राइट है, परफेक्ट। हां, बंगालियों के लिए ही मुश्किल है। हां, क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट, मैं क्यों बोलूं? एक्चुअली मधु सच्ची झगड़े होते ही नहीं है। एक बार हमारा झगड़ा हुआ ऑन 31st, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूरे साल झगड़ा नहीं हुआ हमारा, और देन वी स्टार्टेड निट पिकिंग, और 31st को झगड़ा हो गया। वो ऐसा कोटा कोटा पूरे साल कंप्लीट कर लो, यू डोंट टेक एनीथिंग टू द नेक्स्ट। ऐसा होता नहीं है, मगर आई एम वेरी रेयरली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, झगड़ा यहाँ हो जाए। मेरा हमेशा वो जो भी गुस्सा होता है या जो भी, वो रिटेलिएशन में होता है। शुरू से ही मैं आकर कभी चिल्लाऊं या कुछ ऐसा करूं, ऐसा नहीं होता। और फिर उसके लिए मुझे जितना सॉरी पहले बोलना था ना, उसका मतलब तीन क्या मतलब 10 गुना ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं उस गुस्से में कुछ एक्चुअली ये बेतुकी बातें बोल देता हूँ। शान ने देखा नहीं है ना मेरे सिवा, ही इज वेरी काम, मगर जब होता है तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा आपे से बाहर हो जाता हूँ, उसमें कुछ भी कह देता हूँ, फिर क्या करे, फिर वो भूल जाती है कि ये किस मजबूरी में मैं यहाँ तक पहुँचा था, और कहती तुमने ये कहा और फिर तुमने वो कहा, लेकिन उससे पहले मैं गुस्से में आ गया। गुस्सा कुछ नहीं, गुस्से में आदमी आधा घंटा रोती हूँ। नहीं नहीं, और उसका मेन लाइन है कि जब आदमी गुस्से में आता है ना तो दिल की बातें कहता है, तब तक तो तुम कुछ भी ऐसे बना चिकनी चुपनी बातें कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं बस चाह रहा था कि तुम्हें मैं मतलब कुरेदू ये करूँ, और फिर वो फिर लाइक ऑल मैरिड कपल्स, सॉरी क्या मतलब सॉरी तो बोलता ही बोलते 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 थक जाता। मतलब वो एक दिन मुझे कार्ड दिखा रही थी, मैंने जो कार्ड्स भी सब सॉरी कार्ड वाज अ सॉरी कार्ड। अच्छा बाबा, मतलब ओरिजिनल कार्ड होगा हैप्पी बर्थडे या कुछ होगा, वो भी कार्ड कार्ड नहीं नहीं, उसमें भी एक स्टोरी है आप अगर बोल रहे हो। शान और राधिका से बातें आगे भी हैं ऑन कुछ पन्ने जिंदगी की।